हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब नहा के आ गई हूँ और थोड़ा बाल ओल कंघी कर लूँगी और पूजा वगैरह तो नहीं करना है आज। और थोड़ा सा ये बाल ओल कंघी करके उसके बाद जो छोटा मोटा काम हमारा है ना वो करूँगी। आज काम कुछ ज़्यादा है क्योंकि आज है एकादशी, तो सारे बेडशीट चेंज करना है और घर की डीप क्लीनिंग करना रहता है। तो मैं मतलब सारी क्लीनिंग तो हो गई, बस मेरा ही बेडशीट बचा हुआ है, अभी नहीं चेंज कर रहा था क्योंकि ये सो रहे थे तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे और अम्मा कर रहे हैं पूजा पाठ अपना। तो अम्मा का पूजा में मैं रोज़ ही कहती हूँ कि अम्मा बहुत लंबा जाता है, 2 घंटे से कम नहीं जाता है। तो जिसको मतलब कोई मटकी वाले बोलता है, कोई निचला एकादशी बोलता है, कोई भूमि एकादशी बोलता है, कहते हैं ये भीम जी का है। तो बहुत सारे नाम हैं इस एकादशी का, पर महत्व बहुत ज़्यादा है। आज छुआ मतलब दान में लोग फल वगैरह देते हैं, श्रृंगार की चीज़ें देते हैं, कुछ वस्त्र जैसे रुमाल मतलब कुछ भी पीला वस्त्र होना चाहिए ठाकुर जी के लिए। तो ये होता है माता लक्ष्मी के लिए श्रृंगार की चीज़ें देते हैं। तो ये सब मतलब बहुत सारे चीज़ें होते हैं कि जो लोग देते हैं दान में। हम लोग भी सारी चीज़ें सुबह से मतलब सुबह होते ही काम का भंडार लग जाता है। तो काम तो ख़त्म नहीं होता लेकिन फिर भी चलता रहता है, ऐसे लाइफ है। तो चलते हैं, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं अपना काम। अम्मा थोड़ा पूजा करेंगे ना तो फिर आइडिया लगेगा कि किस तरह से रखें। अम्मा मंदिर जाएगी या घर पे करेंगी, तो यही है आज का। तो चलते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो जो भी कुछ बनाना है तो मैं पहले बना दूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि दिन में तो कुछ भी बनाना खाना पॉसिबल ही नहीं है। तो चलते हैं किचन में और मिलते हैं आप लोगों से बाद में, फिर मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े पहले मशीन में डाल दिए थे, अभी सारे कपड़े हम निकाल देंगे। और आज कपड़े भी मैंने जैसे कहा कि आज डीप क्लीनिंग थी तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं आज धुलने के लिए। बेडशीट है इनका, 3-4 पैंट हो गए हैं। तो कई दिनों से मतलब पैंट मैं रोज़ नहीं धुलती हूँ, एक दिन 4-5 हो जाता है तो मैं डाल देती हूँ मशीन में तो धुला जाता है। हाथ से तो पॉसिबल नहीं है भाई धुलना, क्योंकि आदत हो गई है ख़राब। कुछ टाइम पहले हम लोग धुलते थे बट अब तो नहीं हो पाता है। और आज आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो व्रत में काम आता है। जो आज जैसा मैंने कहा निर्जला एकादशी है, तो आज घर में 3 लोग व्रत हैं, अम्मा और ये और मैं, 3 लोग हैं। तो इधर मतलब सारी तैयारियां पहले कर दूंगी, उसके बाद स्टार्ट करूंगी बनाना, क्योंकि किचन साफ है अभी, खाना वगैरह नहीं बनेगा। पहले मैं बना दूंगी फलाहार, उसके बाद ही बनाऊंगी। तो फलाहार में जब खुद अकेले रहो ना तो उतना नहीं करना पड़ता है व्यवस्था, पर अगर घर में और कुछ जैसे हस्बैंड हैं अम्मा हैं तो करना पड़ता है। तो इन्हें इनका है 2 बजे से ऑफिस रहेगा तो वहाँ के लिए भी बनाना पड़ेगा कि भाई 10 बजे तक ऐसे कैसे रहेंगे, शुगर पेशेंट है तो कई चीज़ें होते हैं, तो इसके लिए कुछ तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो ये मैं बना रही हूँ बर्फ़ी, तो ये बनाऊंगी साबूदाने से। तो 200 ग्राम साबूदाना पीस लेते हैं। तो देखिए बढ़िया से पीस गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम कोकोनट पाउडर। तो ये हमारा 50 ग्राम कोकोनट पाउडर है, तो इसे भी थोड़ा सा हम पीस लेंगे। हल्का ही हमने चलाया 2 बार, बस हो गया। अब गैस पे हमने चढ़ा दिया है पैन और इसमें डाल देंगे सारे, तो इसे भून लेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा भूनना ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाता है और साथ में ये थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है तो अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट बना दोगे तो बहुत ज़्यादा लजीज बनेगा और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ज़रूर इस तरह से भून लीजिएगा, मध्यम आँच पर भूनना है वरना ये बहुत जल्दी जलने लगता है। और थोड़ा सा ये जब जलेगा ना तो बिल्कुल इसका अलग स्वाद आएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारा भून चुका है, तो दूसरी कढ़ाई ले रहे हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिए हैं, घुमा दिया इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 लीटर दूध, ज़्यादा दूध हमने नहीं डालना है, सिर्फ 1/2 लीटर ही डालेंगे और इतने में हमारा हो जाएगा। दूध में उबाल आने तक हम इस तरह से पका लेते हैं दूध को।
और ले रहे हैं ये केक मोल ले रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से पहले से ही तैयारी हम कर देते हैं, और ना फिर जब हम लास्ट में जब इसमें सेट करने की बारी तब समय नहीं मिल पाता, इसलिए ये सब तैयारियां पहले से हो जानी चाहिए। तो इसे हमने तैयार कर दिया है। अब देखिए दूध भी हमारा उबल गया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो हमने पाउडर बना के रखा है ना, अब डालना स्टार्ट करेंगे। तो दूध बिल्कुल आप देख रहे हो कि मतलब थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। अब आप जब भी बनाइए तो फुल क्रीम दूध लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। आपके पास मलाई है तो आप मलाई भी इसमें डाल सकते हो। मैं थोड़ी सी घी डाली हूँ, एक चम्मच घी से थोड़ा सा शाइनिंग आ जाता है और थोड़ा सा हलवा में नमी रहता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। अब धीरे धीरे करके अब डाल देंगे सारे जो हमने साबूदाना का पाउडर रखा है बना के, तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, वरना बहुत जल्दी लम्स पड़ जाते हैं, गुठलियाँ पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए चलाएँगे, कंटिन्यू इसे चला के पहले ठीक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो काजू बादाम डाल रहे हैं इसमें, और थोड़ी सी डालेंगे ना इसमें इलायची पाउडर, जैसे थोड़ा सा इलायची पाउडर वगैरह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक चौथाई चम्मच हमने डाला है इसमें। अब इसे अच्छे से हम चलाते हुए भुनेंगे 2 मिनट तक। चिपक भले रहा है लेकिन भुनना तो इसको पड़ेगा ही। अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई है तो आप नॉनस्टिक में बनाइए, बहुत अच्छे से उसमें हो जाता है। थोड़ी सी घी और डाल देंगे इसमें, तो इस घी डालना इम्पोर्टेंट नहीं था इस समय, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ही डाल रही हूँ, आधे चम्मच से ही कम है, तो थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें। अभी हमने चीनी नहीं डाला तो चीनी अब डाल देते हैं। तो ये 3 चम्मच चीनी हम इसमें डाल रहे हैं। आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 3 के बजाय 4 कर दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आजकल चीनी खाना कोई पसंद नहीं करता है ज़्यादा मीठा। तो ये देखिए बिल्कुल हलवा का कलर चेंज हो गया चीनी डालते ही, और बिल्कुल ये एकदम खिला खिला हो गया, इसलिए मैं लास्ट में डाली हूँ चीनी, ताकि इसका जो एक शाइनिंग है ना अलग से उभर के आए। तो ये देखिए कलर चेंज हो गया बिल्कुल इसे डालते ही, और इसमें शाइनिंग भी आ गए और खिला खिला हो गया, और हमारा जो कढ़ाई है ये भी छोड़ दिया। अब हम इसे सारे को ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हमने घी लगा के जिस बर्तन में रखा था। तो इस तरह से थोड़ा सा इसे दबाते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लजीज होता है तो जल्दी से सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बस इस तरह पुरचला से हम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से दबा दबा के हम करेंगे, तो देखिए हो गया, हो तो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी हम सजावट कर देंगे इसमें। ड्राई फ्रूट इसमें डाल रहे हैं, काजू बादाम पिस्ता से इस तरह से अच्छे से सजा देंगे। सजाना बहुत अच्छा लगता है, सजा वजा चीज़ें रहते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, ज़रूर सजाइएगा इस तरह से। इस तरह थोड़ा दबा देंगे इसे, अब इसे ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब कितने देर में ठंडा होगा, जितने देर में भी हो जाए फिर इसके हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो देखिए 1-1.5 घंटे में बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है, और इसकी अब कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। आप अपने मनपसंद शेप में काटिए जो आपको पसंद हो, और ये देखिए हमने कटिंग कर दी है इसकी, और कितनी मोटी लेयर बनी हुई है, और बहुत अच्छी बर्फी हमारी बनके तैयार है। फ्रेंड्स ये वाली रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक तो कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ तो ये कितना खिला खिला सा दिख रहा है। अब चलते हैं बाकी काम स्टार्ट करते हैं भाई, अभी बहुत काम बाकी हैं। तो यहाँ पे हो रहे हैं कपड़े प्रेस, क्योंकि कपड़े प्रेस करना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। और उसके बाद चाय वे भी बनाना है, मतलब काम की कमी नहीं है, काम बहुत सारे हैं घर में। जो अब कपड़े तो हो गए हैं प्रेस, और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ शाम के लिए साबूदाना, तो इसे पहले मैं भिगा देती हूँ। ऐसे पहले अच्छे से तो धुलेंगे हम, 3-4 पानी इसे हम धुल लेंगे 3-4 बार, ठीक है। जब तक इसमें साफ पानी ना आ जाए तब तक हमें इसमें इसे धुलना है। इस तरह से धुलते हुए हम अब देखिए बिल्कुल साफ पानी हो गया है ना, इसमें अब पानी उतना डाल देंगे, थोड़ा साबूदाना के ऊपर ही पानी रहे। अब हम इसे छोड़ देंगे ढक के, जितना समय हमें मिल जाए 3-4-5 घंटा उतना देर भिगा दो। तो ये देखिए हम इसे भिगा देंगे और ढक के छोड़ देंगे। अब
तो ये 4 से 5 घंटा तक पड़ा हुआ था, बिल्कुल देखिए साबूदाना फूल गया है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब जब हम इसे बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से फूलेगा और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा, मतलब 10 मिनट के अंदर हमारा साबूदाने की खीर बनके तैयार हो जाएगी। तो दूध हम 1 लीटर लिए, फुल क्रीम दूध हमारा है, और इसे हम चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा ना तब हम डालेंगे इसमें जो साबूदाना हमने रखा है भिगा के, ये डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हो कि कितना मतलब उबाल आ रहा है दूध में। तो इसे एक साथ नहीं डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में फिर इसके ऐड करेंगे, क्योंकि हम एक साथ डाल लेंगे तो दूध फटने का चांस रहता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, उबाल आना इसका बंद नहीं होना चाहिए, गर्म दूध रहना चाहिए। तो अब देखिए बिल्कुल हमारा, और आप देख सकते हो डालते ही साबूदाना कितना मोटा मोटा सा फूल गया है। ये बहुत आसान है फ्रेंड्स, व्रत वगैरह में बहुत हेल्दी और टेस्टी रहता है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बनाते तो सभी हैं, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बनता है तो हर घर में है, लेकिन सबका अपना तरीका होता है, तो तरीके बदल के थोड़ा थोड़ा कभी कभी बनाइए तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितने मोटे बड़े बड़े दाने हमारे हो गए हैं फूल के। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, तो ये काजू बादाम है, और तो 1 चम्मच है कोकोनट पाउडर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसे हम डाल के इस तरह से चला देंगे, इसमें अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद हम चीनी डालेंगे, तो चीनी हम डालेंगे इसमें 4 चम्मच, क्योंकि साबूदाना इतना है तो इसमें 4 चम्मच चीनी तो लग जाएगा। तो इस तरह से खाना खाने वाला चम्मच है 2 और ये 3 और 4, बस 4 चम्मच चीनी हमें डाल देना। आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1/2 चम्मच 1 चम्मच, बस इतना ही होगा और क्या, ठीक है। थोड़ी सी डाल देंगे इलायची पाउडर लास्ट में, क्योंकि इलायची पाउडर ना बहुत अच्छे लगते हैं, हर चीज़ में मैं डालती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियो में कि मतलब ये इलायची पाउडर मैं डालती ही रहती हूँ। और फ्रेंड्स आज का यही ब्लॉग है हमारा, क्योंकि आज खाने पीने का और एकादशी है, एकादशी स्पेशल सारे रेसिपी हैं। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारा खीर बनके तैयार हो गया है, और बहुत ही कम समय में, भिगाने से बहुत जल्दी हो जाता है ये, और इसे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। देखिए बिल्कुल दाने दाने से हो गए हैं। तो अब कर देते हैं प्लेटिंग, बिना प्लेटिंग किए कोई रेसिपी अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ी सी प्लेटिंग करना तो बनता है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी साबूदाने की खीर तैयार है फ्रेंड्स। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रेसिपी के बाद मैं ज़रूर बोलती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा काजू बादाम से सजा दिया है, और केसर के धागे ऊपर से 3-4 डाल दिया हमने। तो देखिए बढ़िया हमारी खीर बन के तैयार है। तो चलते हैं, आप सबको खिलाते हैं भाई व्रत वालों को। तो फ्रेंड्स अब हो गए हैं शाम, और देखिए मैंने इसे भी बना लिया है, जो मतलब ये साबूदाने की खीर। और ये व्रत के लिए ना बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी एंड टेस्टी, मतलब सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे रह लगते हैं, और मुझे तो ये बहुत पसंद है। और मैं मतलब हर एकादशी को मैं बना देती हूँ, या तो ये बना देती हूँ, या फिर वो लाइट नहीं है इसलिए बहुत कम रोशनी है, और लाइट चली जाती है ना तो दिक्कत हो जाता है, और या फिर ये तैयार होता है आप लोग खुद ही देख सकते हो इस तरह से, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स अब लेट नहीं करते हैं, क्योंकि अब बच चुके हैं 9:00, और मैं इसे अब खाऊंगी क्योंकि अम्मा खा चुके हैं, अब मेरी बारी है, सारा काम हो चुका है। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है, कल के ब्लॉग में वापस से मिलेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो व्रत के वजह से मैंने कुछ ऐसा नहीं आज किया है कि मतलब जो कुछ सीखने लायक हो, हाँ सीखने लायक ये है कि आपने जैसे साबूदाना की बर्फी न्यू है मेरे लिए, तो बिल्कुल न्यू है, और साबूदाना की मतलब खीर वगैरह सब कोई बनाता है, सबके अपने तरीके होते, आप एक बार मेरे तरीके से भी देख लीजिए।